नाइट श्रद्धा कपूर के घर के बाहर स्पॉट हुए थे आदित्य रॉय कपूर, तो अब सारा अली खान के साथ जमकर पार्टी करते हुए आए हैं नजर। तो क्या आदि हैंडसम हंक आदि अपनी डेटिंग फेज को अनन्या से ब्रेकअप के एक महीने बाद ही इंजॉय करने लगे हैं? ये सवाल उन तमाम इंटरनेट यूजर्स का है जिन्होंने हाल ही में आदित्य को बैक टू बैक अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ हैंग आउट करते हुए देखा है। पहले श्रद्धा कपूर के घर लेट नाइट जाना और फिर सारा अली खान के साथ पार्टी करना यूजर्स को थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी तो अब यूजर्स ने आदित्य को दे दिया है कैसा नोवा होने का टैग। अरे ये टैग देख हम भी उतने ही शौक हैं जितने आप हैं, लेकिन क्या करें, अब अनन्या पांडे से ब्रेकअप के सिर्फ एक महीने बाद ही आदित्य रॉय कपूर को दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ देखकर यूजर्स नाराज हो गए हैं। एक और जहां खबर है कि अनन्या खुद से 13 साल बड़े बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद टूट गई है और मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आदि की पार्टी करते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो भी सारा अली खान के साथ। दरअसल आदित्य रॉय कपूर को सारा अली खान के साथ डायरेक्टर अनुराग बासु के बर्थडे पर साथ देखा गया। बुधवार को डायरेक्टर का जन्मदिन था और इसी खास दिन को उन्होंने करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। पार्टी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें डायरेक्टर अपने मेहमानों को बर्थडे का केक खिलाते दिख रहे हैं। वो सभी के पास जाकर उन्हें केक दे रहे हैं। इसी दौरान वहां सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर भी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इशारों में अनुराग और आदित्य रॉय कपूर बात करते भी दिखते हैं। वैसे तस्वीरों को देखने के बाद लोग सारा और आदित्य की डेटिंग की चर्चा कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ये तो कैसा नोवा है। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, कहीं इस वजह से तो अनन्या से ब्रेकअप नहीं किया इसने। एक और यूजर ने कमेंट किया, कितनी एक्ट्रेसेस को डेट करेगा ये। ऐसे ही कई कमेंट सारा और आदित्य को साथ देख लोग कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि सारा और आदि अनुराग बासु की आगामी फिल्म मेट्रो इन दिनों में काम कर रहे हैं। ये दोनों ऑन स्क्रीन कपल का रोल प्ले करेंगे जो अब 13 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। ये फिल्म अनुराग बासु की 2007 की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल है। मेट्रो इन दिनों में अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार शामिल होंगे। आदित्य की बात करें तो वो इससे पहले श्रद्धा कपूर के घर के बाहर लेट नाइट नजर आए थे, जिसके बाद इंटरनेट पर चर्चा होने लगी कि इनका पैचअप हो गया है। बता दें कि आदित्य और अनन्या 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन हाल ही में खबरें आई कि पिछले महीने इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन सारी अफवाहों को खुद अनन्या पांडे ने हवा दी थी जब उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था जिसमें सेपरेशन के बात लिखी थी। वहीं कपल के एक क्लोज फ्रेंड ने हाल ही में बताया था कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और अनन्या इस दर्द से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।